तो बेबो ने हमारे अबू से माफ़ी मांग ली कि भाई माजरत, मैं आपके बारे में और आपकी बेटी के बारे में अपनी वीडियो में मैंने गलत गलत जो भी बोला, मुझे माफ़ कर दें और माजरत। तो बेबो जी, आपने माफ़ी मांगी, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप हमारे बारे में कोई बात नहीं करेंगी तो हम भी आपके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो बेबो का छोटा सा क्लिप हम अपनी वीडियो में अभी चलाएंगे और वो भी आप देख लेना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हम भी ठीक हैं। तो आज बात करेंगे हम बेबो के बारे में। बेबो के ऊपर हमने कोई गलत वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन आज अपनी वीडियो में बेबो वो हमारे अब्बू से माफ़ी मांग रही थी कि आप जो है ना हमारे ऊपर गलत वीडियो नहीं बनाओ, और अगर मैंने आप लोग के ऊपर कोई गलत बात की है, अगर कोई गलत वीडियो बनाई है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो उसका थोड़ा सा क्लिप जो है ना मैं आपको अपने चैनल में दिखा दूँगा। तो बेबो जी, हमें कोई शौक़ नहीं है किसी के ऊपर गलत बात करने का या किसी को गलत अल्फाज या गलत गाली देने का, हमें कोई शौक़ नहीं। अगर जो हमें कोई तंग करता है या कोई तंग करेगा, तो इंशाल्लाह उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कोई बच्चे नहीं हैं हम, हमें सब पता है। जो कुछ जो लोग जो कुछ चाहते हैं उनका जवाब हमारे पास है, हम दे सकते हैं उनको। तो अच्छी बात है कि आपने माजरत की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी पागल नहीं हैं कि हम आपके ऊपर ऐसी गलत वीडियो बनाएंगे या आपको गलत बोलेंगे। तो आप अगर हमारा नाम नहीं लेंगी अपनी वीडियो में, तो हम भी कोई पागल नहीं है कि आपका नाम बार बार लेंगे। हम भी आपका नाम नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है, अगर तुम हमारा नाम और हमारी बहन का नाम अपनी वीडियो में लोगी, तो इंशाल्लाह हम भी नहीं रुकेंगे। मैं ऐसे खामखा किसी के ऊपर गलत वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर कोई मुझे तंग करता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो मुझे तंग नहीं करेगा, तो मेरा दिमाग तो नहीं ख़राब कि मैं उसके ऊपर गलत वीडियो बनाऊँ या उसको गलत अल्फाज से बुलाऊँ उसे। तो अच्छी बात है बाबू जी, अगर आप हमारा नाम नहीं लेंगी अपनी वीडियो में, तो हम भी नहीं लेंगे और हम भी अपनी वीडियो बनाएंगे, अपने व्लॉग बनाएंगे। आप भी अपनी वीडियो, अपने व्लॉग बनाएं, अपने बारे में शेयर करें लोगों के साथ। क्यों लोगों की लाइफ के साथ आप जुड़ती हैं और आप क्यों घुसती हैं उनकी लाइफ में? तुम अपनी लाइफ शेयर करो लोगों के सामने, अपना कॉन्टेक्ट लाओ कोई, क्योंकि लोगों को पता चले। तुम बार बार सितारा की बात करती हो, साजिद भाई की बात करती हो, हमारी बहन की बात करती हो कौसर की, तो तुम्हें इससे क्या मिलता है? कितने दिन आप ये ड्रामा क्रिएट करोगे? कितने दिन ये बात कहोगे? 1 महीना, 2 महीने कहोगी, फिर आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। आप वो चीज़ लाओ सामने, वाईटी के सामने, जो वाईटी को भी अच्छी लगे और देखने वाले जो है ना वो खुश हों आपकी बात से। ऐसा नहीं हो कि आपकी बात से वो फिर पीछे मुड़ जाएं और उन्हें गुस्सा लगे, अच्छी नहीं लगे आपकी बात। मैं तो आपको बार बार पहले भी यही कह रहा हूँ और अभी भी यही कह रहा हूँ कि आप वापस यू टर्न ले लो और अपनी ही लाइफ शेयर करो और अपने बारे में ही लोगों को बताओ और अपनी ही वीडियो बनाकर लोगों को दिखाओ। जो आप काम करती हो घर पे, मतलब आपके बच्चे हैं, कुछ है, कुछ भी है आपका जो है ना, वो आप शेयर करो लोगों के सामने। तो बाकी रही हमारी बहन की बात, जो तुम कह रही हो कि बार बार उनका नाम ले रहे हो तुम लोग, तो हमें दुख नहीं होता। वो आप लोगों की वीडियो देखती है, जो आप लोग गलत गलत बातें करते हो, उनको टेंशन होती है, तो फिर हम लोगों को नहीं बताएं कि। और कुछ वो अपने बेटे की वजह से परेशान है, और जब वो आप लोगों की वीडियो देखती है तो वो और परेशान हो जाती है। तो मेहरबानी किया करें आप इन चीज़ों से और इन बातों से जो है ना थोड़ा सा परहेज़ किया करें और ये गलत गलत बातें नहीं किया करें। और हम भी आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, जैसे आप बोल रही थी कि हम कयूम भाई की इज़्ज़त करती हूँ, तो वो हमारे अब्बू हैं, आपको उन्होंने बहन बोला है, तो इसीलिए भी हम आपकी इज़्ज़त करते हैं कि आपको फिर बार बार रोकते हैं कि आप हमारा नाम लेना छोड़ दो। ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में तुम्हें भी पछताना पड़े और हमें भी पछताना पड़े। उससे बेहतर है कि
तुम हमारा कॉन्टैक्ट छोड़ दो और अपना कोई नया कॉन्टैक्ट बनाओ, और अपना कोई लाइफ से जो भी कॉन्टैक्ट निकलता है वही शेयर करो YT के ऊपर। और कुछ कौशल के वालिद के साथ तो इंशाल्लाह आप लोग भी सुनिएगा कि मैं उनके साथ क्या बात करना चाह रही हूँ, क्या मैसेज देना चाह रही हूँ। मतलब हम लोग अब इस YT पे क्या चाहते हैं, सब अपनी अपनी राय का इजहार हम लोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरा आज का और इस ब्लॉग में मेरा क्या टॉपिक था, क्या मैसेज था। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि अगर इंसान से कोई भी गलती कोताही हो जाए तो इस दुनिया में माफ एक दूसरे कर देना चाहिए और एक दूसरे से माफी भी मांग लेनी चाहिए। बाकी माफ करने वाली अल्लाह की जात है, हम इंसान क्या होते हैं कुछ भी नहीं। गलतियां इंसानों से होती हैं, छोटी गलतियां भी होती हैं, बड़ी गलतियां भी होती हैं, हर किस्म की होती है। पता नहीं आज तक हमने जिंदगी में कौन कौन सी गलतियां की हैं और हमारे कौन कौन से ऐप पे अल्लाह ने पर्दा रखा है और कौन कौन से खुल के सामने आए हैं और कौन सी गलती अल्लाह ने जो बहुत बड़ी लिख दी हो या हो सकता है जो हमें लगता हो कि ये बहुत बड़ी गलती हो सकता है अल्लाह ने वो हमें माफ कर दिया हो, ऐसा होता है। बाकी कुछ लोग इतना कर जाते हैं कि ना तो बंदा माफी देने के वाला राजी होता है और ना ही माफी मांगने के काबिल होता है। उनके साथ मेरा तनाजा उतर ही है, तो ये ना समझ ले शायद उनके साथ। ये कुछ बातें मुझे जो कि अपने आप को क्लियर करना है और बातें करनी है, ये मैं आज मुखातिब हूँ और कुलूम भाई से जो कि कौशल का वालिद है। तो करते हैं स्टार्ट और आप इस गुफ्तगू को सुनने के लिए इस व्लॉग के साथ बने जुड़े रहें। जो चैनल पे न्यू वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आए जनाब देखते हैं कि मैं आज कौन सी बात करने वाली हूँ और आप इसको सुने और आप अपनी राय का इल्जाम मैनेज करके चलो। आप लोग भी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को बताने से ग्रेज करो ताकि दूसरे लोग भी आप लोगों पर बात ना करें। तो ऐसे ही हम भी नहीं करेंगे तो ये या आप लोग को मेरी बात अच्छी नहीं लगी भाई, उसके लिए माजरत। अल्लाह पाक आपको भी हदायत दे और हमें भी हदायत दे और आसम को भी। खैर मैंने तो कुछ नहीं कहा था कौशल के भाई को, लेकिन उन्होंने भी मेरे लिए कोई सख्त वर्ड चूज किए थे तो मैं चाहूंगी कि वो भी उस पर जरा थोड़ा सा नजर डालें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हम कहते ना कि हम यूट्यूब फैमिली है, तो फैमिली है तो फिर ऐसे ही चलना पड़ेगा। अच्छे बुरे से एक दूसरे को समझाना भी पड़ेगा, गुस्सा भी आएगा, प्यार भी आएगा, तलखी भी होगी, नरमी भी होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, सब
देते हैं कि ये बात सही है, ये बात गलत है। हर इंसान अपने दिमाग से, अपने दिल से सोचता है कि उसको कौन सी बात सही लगती है और कौन सी गलत लगती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे जाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया आप सब। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।